अतिक्रमण सिर्फ ये ठेली वालों से ही है और लोगों से अतिक्रमण नहीं है। ये पार्किंग के चारों तरफ जरा इसका नक्शा देखो आप, चारों तरफ उगाई होती है, लाखों रुपए उगाई होती है भाई साहब, ठेली पटरी पैसे दे के लगवाते हैं। भगदड़ यहाँ पर जो है वो शुरू हो गई है और ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है भाई। तो जितने खोखे वाले उसके ठेली वाले रेड़ी वाले पटरी वाले थे लोग, इनको हटाया गया है क्योंकि सब यहाँ पे कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे, कमा के खा रहे मेहनत करके भाई जी। गंगा जी में आपने शायद इससे पहले दृश्य नहीं देखे होंगे लोगों के भागते हुए, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कहीं ना कहीं हरिद्वार में बड़ी समस्या अतिक्रमण बनता हुआ नजर आ रहा है कि नगर निगम पे ठेका छोड़ देती है फूल फरोशी का, प्लास्टिक वो बेचते हैं, सारे काम वो करते हैं। सीएम धामी ने प्रदेश को जो लैंड जिहाद से और तमाम अतिक्रमण को जो मुक्त कराने के जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं हरिद्वार में कुछ महीनों से तो लगातार जो है दौर समय समय पर कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी बच्चों को गलत दिशा में भेजने का काम प्रशासन का है, हम मेहनत करके खा रहे हैं अभी तक ठीक है, फिर हम दूसरी गलत दिशा में निकल जाएंगे क्या करेंगे, अपनी पेट पलेगा। तो खड़े हो ना, यहाँ के 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ शराब बिकती है, कोई बोलने वाला है नहीं है क्योंकि बड़े रसूखदार लोग बैठे, सरकार बैठी है। कार्रवाई कब तक होगी? कार्रवाई ये लगातार चलती रहेगी। गंगा जी से ठेली जो है वो बीच बीच में आप देख रहे होंगे, शायद इससे पहले हरिद्वार में आपने नजारा देखा होगा, हरी टीवी जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका और तमाम जगह आपको जो ठेलियां हैं गंगा में सामने हर की पौड़ी का घंटाघर दिख रहा होगा। और नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। इस समय मौजूद हैं CCR टावर के नज़दीक जो रोडी बेल वाला क्षेत्र है जहां हर वर्ष दशहरे का मेला भी आयोजित होता है और यहां पर जो है नगर निगम सिंचाई विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो है लोग आपको यहां से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, पुलिस आपको यहां सामने दिख रही होगी और तमाम जो यहां पर रहने वाले जो लोग हैं जो बाहर से आकर जो यहां पर रह रहे हैं अवैध तरीके से, उनके ऊपर आज जो है एक बार फिर कार्रवाई होती हुई दिख रही है। सुबह से ये कार्रवाई यहाँ पर आज चल रही है और SDM जो पूरन सिंह राणा हैं, तहसीलदार हैं यहाँ पर जो रेखा आ रहे हैं वो, उनके साथ साथ जो SNA हैं यहाँ पर श्याम सुंदर दास, वो सभी यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं आगे तस्वीरों में कैसे यहाँ पर अतिक्रमण पर जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे अतिक्रमण के डर के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी गंगा में जो है वो ठेलियाँ उतारना शुरू कर दिया है। गंगा के बीच में आपने पहले शायद ही लोगों को भागते हुए देखा होगा, लेकिन प्रशासन के डर से अब देखिए आप कि कैसे जो लोग हैं वो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पकड़ पकड़ कर यहाँ पर जो है ले जा रहे हैं। ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर नगर निगम और तमाम, ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरी टीवी आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर जो है अतिक्रमण पर एक बार फिर जो है वो कार्रवाई जो है यहाँ पर प्रशासन की जो है यहाँ पर हो रही है। और हरी टीवी आपको एक्सक्लूसिव कवरेज में जुड़ा हुआ है, ये देखिए लोगों में कैसे जो है वो भगदड़ यहाँ पर जो है वो शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो लोगों ने जो है ये आप देख सकते हैं ठेली यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई और लोगों ने दूर दूर तक जो है नदी में भागना शुरू कर दिया है। आइए ये मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग है ऊपर और उसके नीचे ठीक हर की पौड़ी आपको सामने दिखाई दे रही होगी घंटाघर, और आप देख सकते हैं कैसे लोगों में भागम भाग मच गई है चारों तरफ। ये देखिए आप गंगा में ठेली उतार दी हैं और सैकड़ों ठेलियाँ जो यहाँ पर मौजूद थी जो रूडी वेल वाला क्षेत्र से जो आई थी यहाँ पर, ये लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं आज नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है और ये सामान मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ठेली जो है यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई। लोगों में जो है अफरा तफरी का माहौल है एकदम अचानक नगर निगम की कार्रवाई से, और जो यहाँ पर SDM पूरन सिंह राणा यहाँ पर आज मौजूद हैं, तहसीलदार यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नगर निगम की टीम जो है वो यहाँ पर तमाम आपको लोग यहाँ से जो है, गंगा जी में आपने शायद इससे पहले दृश्य नहीं देखे होंगे लोगों के भागते हुए, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कहीं ना कहीं हरिद्वार में बड़ी समस्या अतिक्रमण बनता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे यहाँ पर जो है
जो लोग हैं वो जगह जगह अपनी जो अवैध तरीके से जो बाहर से आकर जो रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको नेताओं का भी दौर दौर पर जो समय समय पर संरक्षण जो है प्राप्त रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में बाहर से पलायन होकर लोग यहाँ पहुँचे, और उसके बाद अब जिस तरीके से हरिद्वार में लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा है कि हम हर जगह को जो अतिक्रमण मुक्त करा कर रहेंगे पूरे उत्तराखंड के। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं, तो देखिए आप लगातार कवरेज में जुड़े हुए हैं कैसे जो लोग हैं वो प्रशासन के भय के कारण अपनी ठेलियां उन्होंने गंगा जी में जो पत्थर हैं उन्हीं के बीच में उतार दी। हालांकि आज गनीमत थी कि जो ये फाटक आप सामने देख रहे हैं ये सारे बंद थे और गंगा में बहुत ही कम मात्रा में जो है वो जल था, अन्यथा यहाँ पर कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर ठीक राष्ट्रीय राजमार्ग जो पुल है उसके नीचे मौजूद हैं, और आइए तस्वीर आपको दिखाता हूँ। तो ये पंडित दीनदयाल पार्किंग में आपको सामने दिखा देता हूँ। तो प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, और देख सकते हैं कि ये गंगा है जो चंडी घाट की तरफ जाती है, सामने आपको देख सकते हैं चंडी देवी भी दिखाई दे रही होंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो एकदम नगर निगम की टीम आने से जो है वो देखिए आपकी गंगा में जो है ठेली उतार दी गई। महिलाएँ कुछ मैं आपको दिखा दूँ जो सामने से आप देखिए ठेली ले जाने का प्रयास कर रही हैं, उधर जो झुग्गी झोपड़ियाँ बस्ती है उधर की तरफ तस्वीरों में आपको सामने ठेली दिखाई दे रही होगी, और नदी पार कर दी पूरी गंगा जी पार कर दी सॉरी ठेली के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ठेली आपको बड़ी तादाद में कुछ जो है वो आपको उधर दिखाई दे रहे होंगे जाते हुए लोग। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार में जो है अतिक्रमण पर आज ये कार्रवाई हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल तो बनी गया है। तो जैसा यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची, कुछ यहाँ पर जो ठेली वाले हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? आकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। कौन सा जिला? इटावा। क्या कहना चाहते हैं आज? ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है भाई। अच्छा हाँ, तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम तो कुछ नहीं करना चाहते हैं भाई। मतलब आज जैसे कार्रवाई उसको कैसा लगा देखकर, क्या कहना चाहते हैं इस पे भाई? हम क्या कहना चाहेंगे भाई, सरकारी जमीन है भाई, वही जाने अब लोग। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे अब? कहीं भी जाएंगे भाई। आप रहे हैं क्या बात? आप रहे हैं जल्दी जल्दी में लाएगा ठेली? हाँ। अच्छा, तो ये जो लोग ठेली जा रही है इधर गंगा में कहाँ ले जा रहे हैं आगे? ये सब बचाव के लिए ले जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है भैया। यहाँ कोई पर्ची वगैरह कटती है? क्या है सिस्टम? पर्ची वगैरह नहीं, हमारी मेरी वाइट लो। अच्छा बताओ भाई, यहाँ गरीबों के साथ जानवरों वाला अत्याचार किया जाता है, ठीक है? ठेलियाँ जहाँ पे लगती थी वहाँ से हटा के हम पीछे ले आए, जहाँ पे स्पेस था वहाँ ला के खड़ी कर दी, वहाँ लेके JCB लेके आ गए, ठीक है? अच्छा, प्रशासन को इतना बुरा हाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ पे कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे, कमा के खा रहे मेहनत करके भाई जी, ठीक है? तो मुख्यमंत्री धामी ने सख्त निर्देश दिए थे पहले कि अतिक्रमण जगह जगह जो है हटाएंगे, इसके तौर पर जो है नगर निगम भी हरिद्वार में कार्रवाई कर रहा है, इससे पहले चेतावनी भी दी गई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अतिक्रमण सिर्फ ये ठेली वालों से ही है और लोगों से अतिक्रमण नहीं है। ये पार्किंग के चारों तरफ जरा इसका नक्शा देखो आप, चारों तरफ उगाई होती है, लाखों रुपए उगाई होती है भाई साहब, ठेली पटरी पैसे देके लगवाते हैं, उन्हें कोई नहीं बोलता, बड़े आदमी है, पूरे हर की पौड़ी पे कब्जा है, फूल नगर निगम ने करवा रखा है, 500 जगह आप चेक कर लीजिए जाके। 2000 रुपये रोज उठिया दे दो। रुको तो एक मिनट, हर की पौड़ी पे कब्जा है, नगर निगम पे ठेका छोड़ देती है फूल फरोशी का,
प्लास्टिक वो बेचते हैं, सारे काम वो करते हैं, ठीक है भाई। उन पर कोई वो अत्याचार नहीं है, अत्याचार उस पर जो ठेले चला रहा है और अपना पेट पाल रहा है। मैं भी यंग हूँ, अपनी फैमिली पाल रहा हूँ, पांच बहनों का भाई हूँ भाई जी। और हम पे अत्याचार होगा हम क्या करेंगे, हम भी कुछ ना कुछ सोचेंगे फिर उसके बारे में। तो अब जितने भी बच्चों को गलत दिशा में भेजने का काम प्रशासन का है, हम मेहनत करके खा रहे हैं अभी तक ठीक है, फिर हम दूसरी गलत दिशा में निकल जाएंगे क्या करेंगे, अपनी पेट पलेगा। तो चोरी करो डकैती करो यहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ के 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ शराब बिकती है, कोई बोलने वाला है नहीं है, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग बैठे, सरकार बैठी है ऐसी। किन लोगों का संरक्षण, नेताओं का संरक्षण है, बड़े लोगों का संरक्षण है, ये क्या हम थोड़ी ना कह सकते हैं किसका संरक्षण है। अरे हम नेता हो कोई, हम बाहर के तो है नहीं, तो जन्मभूमि है मेरी हरिद्वार, और यहाँ में मेरे साथ ऐसा अत्याचार कराएगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। इंसान लोगों का नुकसान कर रहा है दुनिया, जैसे मांग चल रही है की जैसे वेंडिंग जोन बना, आप लोग मांग क्यों नहीं करते हैं, क्या मांग चाहेंगे करना की हमारे भी कोई ठेली का कोई जगह दे दी जाए। हाँ बैंडिंग जोन के लिए हमारे चल तो रहा है हमारा प्रोग्राम, बैंडिंग जोन आ जाएगा हम हट जाएंगे, हम चाहते थोड़ी ना ऐसे धक्के खाएं, हम भी चाहते खोखा ले पैसे ले हमसे किराया लें, जो बनता बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हमें भी पेट पेट पालना है। क्या कहना चाहते हैं, हमें भी पेट पालना है, गरीब लोगों को ऐसे मारी जाएगी कोई पेटों पर, जैसे सब बन जाएंगे तो हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे ना, क्या करेंगे, हमारा तो यही कमाना खाना है, बताओ कहाँ जाएंगे। हमारा तो माँ से न्याय ठाला है तुम्हारे डर के मारे, लेकिन आप लोग गंगा जी में भी आ रहे हैं, अब बताओ पीछे का व्यू दिखा दो कहाँ खड़े हैं हम, बड़ी गंगा में खड़े हैं, दिखाओ ना पीछे का, हम बड़ी गंगा में खड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो ठेले वाले थे वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, और गंगा जी से ठेली जो है वो बीच बीच में आप देख रहे होंगे, शायद इससे पहले हरिद्वार में आपने नजारा देखा होगा, हरी टीवी जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है, और तमाम जगह आपको जो ठेलियां हैं गंगा में सामने हर की पौड़ी का घंटा घर दिख रहा होगा, और ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिखाई दे रहा होगा जो दिल्ली से देहरादून जाता है, उसके नीचे आप जो नीलधारा वाली जो बड़ी गंगा है चंडी घाट वाली, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम यहाँ पर जो ठेली रेडी वाले हैं वो दूर दूर तक आपको ठेलियाँ ले जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, शायद इससे पहले आपने हरिद्वार की गंगा में ठेलियों का नज़ारा इससे पहले देखा होगा। अभी बैराज छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं ये भी है कि कहीं यूपी सिंचाई विभाग जो उसको हैंडल करता है वो कहीं पानी ना छोड़ दे इसमें, कहीं जल ना छोड़ दे, उससे भी यहाँ पर खतरा बन सकता है, क्योंकि तमाम लोग आपको यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज खास कवरेज के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं, और आइए आपको सुनवाते हैं क्या क्या जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर प्रशासन के जो यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने क्या कहा। आज हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे आदेश हुआ था, तो घाटों से जिसमें बिरला घाट, विष्णु घाट और सीसीआर क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग सोल क्षेत्र में हैं इस समय, तो जितने खोखे वाले उसके ठेली वाले रेड़ी और पटरी वाले थे लोग, इनको हटाया गया है, अवैध रूप से लगा करके अनावश्यक रूप से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे यात्रियों के लिए, उनके आवागमन में असुविधा हो रही थी, तो ये बार बार शिकायतें आ रही थी, तो उसके मद्देनज़र आज जो है अतिक्रमण का अभियान। कौन कौन अधिकारी जो आज यहाँ मौजूद है आपके साथ? लगभग सभी विभागों के थे, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से SDM साहब भी और तहसीलदार मैम थी, और नगर निगम की पूरी टीम है, सिंचाई विभाग से थे यादव जी। जी जी, तो संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। आगे भी कार्रवाई कब तक होगी कार्रवाई? अब ये लगातार चलती रहेगी, लगातार इस क्षेत्र में चलती रहेगी। जी जी। तो अच्छा, कुछ लोगों का जो रेडी वाले थे उनका ये कहना है कि वेंडिंग जोन की मांग कर रहे हैं वो, तो वेंडिंग जोन का नियमानुसार जो वेंडिंग हम लोगों ने यहाँ दिया है पिंक जोन का, तो उनसे अनुरोध किया गया है, लिखित रूप में अनुरोध किया गया कि अपने अपने कियोस्क में ही अपना व्यवसाय करें। तो क्या कोई चेतावनी इनको दे रही है? कुछ कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, हमें चेतावनी नहीं दी गई हटाने की? नहीं, दो दिन से लगातार अनाउंस किया जा रहा था, कल भी 8 बजे रात तक जो है अनाउंस किया गया है कि लोग अपना नियम हटा लें। ठीक, स्वतः। तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमें जो निर्देश दिए गए थे उसके आधार पर जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर जो ठेली रेड़ी पटरी वाले हैं उनका अपने जो आरोप थे कि यहाँ पर तमाम तरीके के अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, हम तो मेहनत करके जो है वो कमा रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर हरी टीवी से अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है। तो हमारा काम था आपको दोनों तरफ की जो है बातें आप तक पहुँचाना। Thank you.
यहाँ पर देख सकते हैं जो नगर निगम के SNA हैं वो यहाँ पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। और अब आपके सामने देखिए कैसे यहाँ पर जो है बुलडोजर, जो यूपी के योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के बाद जो CM धामी ने प्रदेश को जो लैंड जिहाद से और तमाम अतिक्रमण को जो मुक्त कराने के जो बात कही थी, वो कहीं ना कहीं हरिद्वार में कुछ महीनों से तो लगातार जो है दौड़ समय समय पर कार्रवाई आपको होती हुई दिखाई दे रही है। और ये देख सकते हैं आप कि अभी भी जो इस समय हम CCR टावर के नज़दीक सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो CCR टावर आपको दिखाई दे रहा होगा और तमाम जो लोग आपको ऐसा दिख रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे अवैध तरीके से, उन्होंने उनके जो आशियाने थे कहीं ना कहीं अब वो उस पर पीला पंजा जो है वो चल चुका है। कुछ लोग अपना सामान भी यहाँ से उठाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बाबा यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे जो है एकदम हड़कंप यहाँ पर मच गया है। और जो अब तक चेतावनियों के बाद भी अब तक नहीं हटे थे, आज बुलडोजर देखते ही जो है वो अब भागने लगे हैं, अफरा तफरी मच गई है। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ मुर्गे यहाँ पर मिले हैं झोपड़ियों में, ये देख सकते हैं कि मुर्गे यहाँ पर मिले हैं, कहीं ना कहीं शायद जो पिछले वीडियो वायरल हुई थी उसमें भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यही लोग यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अवैध तरीके से जो है कहीं ना कहीं मांस मदिरा का काम यहाँ पर शायद करते होंगे, वो यहाँ पर उसके तथ्य भी आज आपको सामने दिख गए हैं। यही वो झुग्गी झोपड़ियाँ जिनके कारण तमाम तरीके की जो कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियाँ हैं वो पैदा होती हैं, और इन्हीं लोगों के कारण जो है जो ऐसे लोगों जो ठीक हर की पौड़ी के सामने रहते हैं उसको कहीं ना कहीं धार्मिक संस्कृति और जो धार्मिक अस्मिता हरिद्वार की उसको भी यहाँ पर खतरा बना रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लोग अपना सामान भी हटाते हुए और सामने से जो है बुलडोज़र अपनी कार्रवाई भी यहाँ पर जो है वो कर रहा है। ये देखिए आप सीधे तौर पर देखिए बुलडोजर जो है वो लगातार ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ता हुआ, और फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।